सो हे गाइस, दिस ऋषि के सम्मान वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करेंगे कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी को फोड़ने के लिए किस किस एप्टीट्यूड को क्वेश्चन को टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी में एप्टीट्यूड आते हैं तो किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम इस पीडीएफ में देखेंगे पूरा सिलेबस। तो उसमें मैंने टॉपिक के सामने एक लिंक भी दिया है, उसको अगर क्लिक करते हैं तो आप गीक फॉर गीक पोर्टल पर जाकर डायरेक्ट उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आप पीडीएफ देखेंगे। तो पीडीएफ ओपन कर लेता है, एप्टीट्यूड टॉपिक। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 50 कोडिंग क्वेश्चन। देखो, इसकी भी पीडीएफ तैयार हो गई है। अब इसके बाद अरे वीडियो इसी की होगी, 50 कोडिंग क्वेश्चन की। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो एप्टीट्यूड टॉपिक्स, तो ये है अपनी पीडीएफ, इसको वन बाय वन समझेंगे। देन मैं ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट, ये अपना पीडीएफ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एप्टीट्यूड टॉपिक्स बाय ऋषिकेश वर्मा फ्रॉम मी। सो यहाँ आपको मैं पहले ये दिखा दूँ, नीचे यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर में दिख रहा होगा, उसका कुछ कारण है। और यहाँ साइड में लर्न, मैंने बोला था मैंने लिंक दिया है साइड में, तो ये लर्न पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सेट। तो यहाँ लिखा क्या है, रेड कलर QA टॉपिक फॉर TCS, इंफोसिस, SCL, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ETC, ऑल सर्विस बेस्ड कंपनी। मैंने यहाँ मेंशन किया है कितने 29 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सिर्फ 29 टॉपिक्स, और उसके बाद रीजनिंग में 5 एंड इंग्लिश में 4। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, एडवांस लेवल तक इसमें बहुत बहुत क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है, पर गिने चुने एक, बस एक। और बाकी जो रेड में मैंने मेंशन किया, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से रहते ही है। तो इसी को प्रैक्टिस कर, अगर इसको अच्छा से आता है तो ब्लैक वाला जो मैंने लिखा है मेंशन, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रोडमैप फॉर ड्रीम प्लेसमेंट में बताया था कि एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल वर्बल, तीनों को मिला के बोलते हैं 3 = होता है एप्टीट्यूड, तीनों को प्लस कर। तो क्वांटिटेटिव में पहले आते हैं नंबर LCM से। तो यहाँ पहले नंबर है, मैंने टॉपिक डाला है नंबर्स, और नंबर्स क्या है यहाँ पे आप लर्न लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मेरा अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो अगर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, देन वेट। तो देखो यहाँ पे हैंड टाइप का जेस्चर बन गया है, हैंड टाइप का जेस्चर बन गया है, मतलब ये लिंक है इसके नीचे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये चेंज यू मे नॉट टू बी सेव्ड लीव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्विच गिग्स फॉर गिग्स डॉट ओ आर जी स्लैश प्लेसमेंट हाइफन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA हाइफन नंबर्स, मतलब ये उस लिंक पे आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैंने लिंक दिया है, हर क्वेश्चन में लिंक दिया है, हर टॉपिक में लिंक दिया है। देखते नंबर सिस्टम, LCM, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये सब पढ़ा होगा कॉलेज में भी पढ़ा होगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड, परसेंटेज, ये सब इजी है। पहले स्टार्टिंग में हम करते तो हमको हार्ड लगता है, मुझे भी हार्ड लगता था, पर अब मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। TCS के प्लेसमेंट के बाद मैंने किसी कंपनी के लिए प्रैक्टिस की ही नहीं, TCS के लिए ही बहुत प्रैक्टिस कर ली थी जब रिजेक्शन में, भाई इतनी प्रैक्टिस की थी, थ्योरी कोडिंग सब प्रैक्टिस के बाद जितनी भी कंपनी है सब में उन्होंने फोड़ डाले। देन लर्निंग अलजेब्रा ऑप्शनल है, ले एवरेज सबके मैंने लिंक दिए हैं, आप इसको क्लिक कर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इस एप्टीट्यूड राउंड के हैं। देन उसके बाद नीचे हम आते हैं, मेंसुरेशन सबके हो गए, ये सब 29 तक, यहाँ तक जो आपको दिख रहा है डेटा इंटरप्रेटर, डेटा इंटरप्रेशन मतलब ग्राफ वाला, इसी में मैंने ऐड कर दिया। कोडिंग कोडिंग लॉजिकल में आता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव। देन उसके बाद आते हैं रीजनिंग, 29 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। देन उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग में सीरीज डेटा डिफिशियंसी, सीरीज डेटा डिफिशियंसी पजल सीरीज। तो इसमें ऐसा मैंने कोई मेंशन नहीं किया, रेड रोड नहीं है, तो इसमें क्या है, कोई ये पांचों लेवल से ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने अगर आपको सिलोलिथ पजल दे दी, पजल में क्या आते हैं, इमेज पजल आते हैं, ये मिरर दे देगा तो इसका मिरर कैसा बनेगा इधर, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। देन नीचे अगर हम जाएं, नीचे हम आता है वर्बल। तो ये सेक्शन काफी हार्ड होता है, अगर हम देखें लोग क्वांटिटेटिव कर लेते हैं क्योंकि ना मैथ रहता है इसमें, वर्बल का लॉजिकल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लॉजिक रहता है, वो भी इजी रहता है। लेकिन इंग्लिश में हम लोग फंस जाते हैं, इसके लिए जिसकी इंग्लिश तगड़ी है वो भी इसके पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो
से इसमें रहते हैं पैसिव सेंटेंस का कुछ रहता है, इसके भी कोई ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप 3-4 पैसिव सॉल्व कर लेते ना, आपको पता चल जाएगा क्या है, कुछ है कुछ नहीं है। एरर डिटेक्शन में भी वही है, कुछ इसके लॉजिक है, कुछ कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है। देन फिलिंग द ब्लैंक, कंप्रेंशन, पैसे आर्टिकल के भी आते हैं इसमें, बस तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो ये पीडीएफ था, दिन नीचे हम जाएंगे सब्सक्राइब। भाई ये तो मेन है, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ मुझे रिटर्न मैंने चाहिए। पर शेयर कर दो वीडियो को, या फिर सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे रीच मिलेगा तो कुछ मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जादू देख सकते हैं, क्लिक करके देखिएगा। तो ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे लिंक दिया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपने ओवरऑल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखा है, उसमें मैंने टॉपिक के नाम भी लिखे थे और उसके साइड में मैंने एक्सेस भी दिया था कि वेबसाइट का आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पीडीएफ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा जो आपको प्लेसमेंट क्या करने में आसानी करेगा। इसके बाद वाली वीडियो 15 कोडिंग क्वेश्चन वाली है, जो टॉप 50 कोडिंग क्वेश्चन है जो टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी में आती है। मैं सर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा रोड मैप फॉर ड्रीम प्लेसमेंट, उसमें मैंने कंपनी मेंशन किए थे किस किस टाइप की कंपनी में ये क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिलेबस आप पूछे जाते हैं या फिर कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, तो इसके बाद वाली वीडियो 50 कोडिंग क्वेश्चन की होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी और स्टूडेंट से भी मैं बात करते रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड